Hello, Kapil sir. Hello. Hello, Kangana man. Hello, Archana man. Hi. Sir, my name is Pomil Khatri. जी पोमी क्या सर, क्या मेरे पास ऐसा कोई किस्सा तो नहीं है पर मैं आपका बड़ा फैन हूँ तो कुछ लेके आया हूँ आपके. थैंक यू पोमी. क्या लेके आए आप? एक पेंटिंग है, देना चाहता हूँ. पेंटिंग है. सो स्वीट. ओह अच्छा, सो स्वीट. थैंक यू ब्रो. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. मम्मी भी है? मम्मी. थैंक यू ब्रदर. सो स्वीट. थैंक यू, थैंक यू. अरे बहुत बहुत प्यारी है. थैंक यू, थैंक यू ब्रो. थैंक यू, थैंक यू. जोरदार तालियां हमारी कंगना जी के लिए. तलाई भी मूवी सुपर डुपर हिट हो. हमारी दुआएं. चाचा जी आपको पता है आपका डांस बड़ा गंदा, क्यों नाचते हो आके आप? मैंने कहा चलो थोड़ा इनको हौसला होगा, अर्चना जी को, कि मैं अच्छा करती हूँ. सबसे पहले तो मैं अपने आप को खुद इंट्रोड्यूस करा दूँ, ये ठीक नहीं करवाते. मेरी कुछ बातें कोई और बताए आपको तो ज्यादा दुख लगेगा. आई एम मैरिड. नहीं सब यहाँ पे ऐसे ही इकट्ठे किए हैं. नहीं इनके बॉस है ये और इन्होंने ऐसे ही इकट्ठे किए सारे. नहीं पता क्या लगता नहीं, क्योंकि हमारे छोटे ही उम्र में ही शादी कर देते हैं. अर्चना जी अब आपको भी पता चल गया आई एम मैरिड, अब आप मुझे फोन नहीं करेंगे. मेरी वाइफ होती है दिन में मेरे साथ, तो मैं अपनी वाइफ के लिए बहुत लॉयल हूँ. अच्छा अच्छा. हालांकि वो मेरे पे भरोसा नहीं करती. अच्छा. क्यों पता नहीं क्यों हर वक्त मुझे ये कहती है अपने फोन का पासवर्ड नंबर दो. यार क्या यार, भरोसा नाम की कोई चीज ही नहीं है. तो दिखा दो ना फोन, उनको हो जाएगा भरोसा. पर जो लड़कियां रात को जाग जाके मुझे मैसेज करती हैं उनका भरोसा तोड़ दूं मैं? खैर मैं इधर आया हूं. आप जैसे हिमाचल में रहती हैं, मेरे अपने लोग जब तरक्की करते हैं मुझे बहुत खुशी होती है, पता नहीं क्यों. आप कहां हिमाचल से हैं? नहीं पहले मैंने हिमाचल में पैदा होना था. अच्छा. वो एक्चुअली मेरे जो पापा हैं उनकी एक्स गर्लफ्रेंड जो है हिमाचल में रहती थी. oh अचानक किसी के साथ उसको भागना पड़ गया. होता है, देखो प्यार होता है. तो लेकिन आप मनाली में पैदा हुई है ना? सेम, मैं भी वहीं. अच्छा आप कहाँ से मनाली में पैदा हुए? एक्चुअली हनीमून में मेरी मम्मी पापा से होगी नाराज. अच्छा. तो पापा ने मनाली, तो मैं हो गया. बट काम की बात भी कर लिया करो कभी आप. हाँ हाँ, मैं जिस काम के लिए आया था हिमाचल में, मतलब सेबों के बाग बहुत होते हैं ना. हाँ जी. हाँ, मेरे ना ये 3-4 सेब सड़े हुए निकल आए थे, तो अगर आप चेंज करवा लें तो देखो हमारे बच्चे आपको दुआएं देंगे. ये मेरा प्यार है. अच्छा, अरे 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 मैं मेन तो भूल गया, अभी मूवी आ रही. आप साउथ में शूटिंग करके आए ना? अब आप बोलोगे इडलियां भी बदलवा दो, मेरी खराब निकली है. यार वहां पे इडलियां सिर्फ थोड़ी होती हैं. मुझे ना किसी ने ना ये कड़ा गिफ्ट किया है. क्या कड़ा? अच्छा. तो वहां पे ना मेरा हाथ नहीं आता अंदर, तो ये थोड़ा वहां से कड़ा नहीं है, ये मेंदू बड़ा है. ये कहां बड़ा है, छोटा सा तो है. मेंदू बड़ा. जैसे फालतू बातें कर दी ना आपने शुरू, क्या करने आए यहाँ बताओ आप? मैं इनकी तारीफ कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ. एक्चुअली जब आपकी क्वीन आई थी आपको बहुत फायदा हुआ था ना, मेरी जब क्वीन आई तो बहुत नुकसान हुआ. क्वीन? वो कैसे? मैं ऐसे ही तीन पत्ती खेल रहा था. क्वीन? तो मुझे चाहिए था इक्का, आगे क्वीन, मेरा सारा पैसा. शर्मे आती, जुआ खेलते हो आप? नहीं नहीं नहीं, आई डोंट लाइक जुआ. मैं जुआ नहीं खेलता. एक्चुअली दिवाली पार्टी थी ना इधर बच्चन साहब के घर, तो उन्होंने बुलाया आप इंडस्ट्री में रहना है. अरे जाना ही ज्यादा ज्यादा हो रहा है, अब ज्यादा हो रहा है. चलो चंकी पांडे साहब ने बुलाया था. तो चंकी पांडे माय फ्रेंड, आई लव चंकी पांडे, मैं मना नहीं कर सकता, तो जाना पड़ता है. कंगना स्टार है, कैसी बातें कर रहे हैं आप? यार उनका सबको पता है मैं स्टार हूँ, सिर्फ मेरे को पता. मैंने कितनी फिल्में जो हैं आप ही की फिल्में मेरे को आई हैं, मैं नहीं कर पाया क्योंकि कुछ मजबूरियां थी. कौन सी? आपकी तन्नु वेड मन्नू जो थी मेरे को आई पहले. तो क्यों? मैंने मना की. क्यों नहीं की फिर? मेरा मन्नू नहीं किया. नहीं नहीं एक्चुअली क्या है, कोई भी अच्छा काम करना है सिर्फ तन्नु से नहीं, मन्नू भी होना चाहिए. तन्नु मन्नू दोनों होंगे बंदा कहेगा यार तन्नु मन्नू से काम करता है.
आप कह रहे थे ना आप उनकी उंगली फिल्म भी देख के आए थे, पंगा भी देख के आए थे। अरे इनकी कोई भी फिल्म आती है ना मेरे को पहले ही पता चल जाता है। जब पंगा आपकी आई ना तो मेरे को अभी ट्रेलर भी नहीं आया मेरे को पता चल गया इनकी फिल्म पंगा आएगी। वो कैसे? जब उंगली की है पंगा तो होगा ना। इनकी सारी फिल्में हिट हैं, इनके लिए जोरदार तालियां, ये भी सुपर उपर हिट होगी, ये वाली दुआएं। कहते आप बहकी बहकी बातें करो, फिर पी के आयो ना आप। हाँ पी के आया हूँ। अरे पीने से उम्र बढ़ती है। ये किसने बोला आपको पीने से उम्र बढ़ती है? मैं बोल रहा हूँ, मैंने तजुर्बा किया। मैं 25 साल का था जब मैंने पीनी शुरू की, आज 50 का हो गया हूँ पी पी के। शराब पीना गलत बात है चाचा जी। अरे है शराब सोच रहा है तू, मैं तो चाय की बात कर रहा हूँ, तू ऐसा क्यों सोचता है? चाचा जी आपको शर्म आनी चाहिए, कितने बड़े हो गए आप और ऐसी बातें करते रहते हो। मेरे को समझ नहीं आया जब मैं छोटा था। अरे तू इतना छोटा ऐसी बातें करता है, शर्म आती जब बड़ा हो गया। अरे इतना बड़ा हो गया छोटी बातें करता है, शर्म। मैं ऐसी बातें कहाँ करूँ, कहाँ करूँ, मैं कहाँ जाऊँ? ठीक है आज मैं ऐसी बात नहीं करता, मैं इनको एक गाना सुना लूँ। वो तो आपने सुनाना ही है। आपको पता था मुझे, जरा मेरा हारमोनियम। प्लीज सुर में ना बजाना मेरा खराब है। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। अच्छा गा रहे हैं। नहीं अच्छा गा रहे हैं, पर ये इतने बड़े महान सिंगर की गजल उठा लेते हैं ना, ये डरते ही नहीं है। कोई कंगना का गाना सुनाओ ना कोई। अगर इनका गाना कोई सुनना हो अर्चना जी आप फरमाइश कर सकती हैं। अच्छा इनका गाना चल चले अपने घर। मैंने फरमाइश पूछी है, ख्वाहिश नहीं पूछी। फिटे मुंह ये गाना। अच्छा आई एम सॉरी, ये गाना तो बहुत अच्छा है, मेरे दिल के बहुत करीब है ये गाना। क्या बात है। तो पेश है फैशन का है ये जलवा। एक मिनट, जब आपने अपनी मर्जी का गाना होता तो पूछते क्यों अर्चना जी से आप? उन्होंने मुझे सुबह 500 रुपए दिया था, कहते मेरा नाम बोल देना मेरे फॉलोवर बढ़ जाएंगे। तो फिर 500 रुपए दे देना मुझे। आप 1000 देंगे ना जिस दिन मैं गाना भी आपका गाया करूंगा। अच्छा ओके। हम फैशन का है ये जलवा। ये हर गाना गजल में ही गाते हैं। और वो भी एक ही गजल में। हाँ। दोस्तों हमारे साथ फिल्म तलाइवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर साहब भी मौजूद हैं, तो चलिए उन्हें मंच पे बुला लेते हैं। प्लीज वेलकम डायरेक्टर मिस्टर विजय और प्रोड्यूसर्स मिस्टर विष्णुवर्धन एंड मिस्टर शैलेश आर सिंह। सर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। थैंक यू। और बड़ी कमाल की फिल्म बनाई आपने, हम सब ने ट्रेलर देखा, बहुत बहुत मुबारक सबसे पहले आपको। थैंक यू सर। थैंक यू। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि शैलेश जी जो हैं और विष्णु जी फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, शैलेश जी ने पहले भी कंगना के साथ तनु वेज मनु और जजमेंटल है क्या जो है वो फिल्में बना चुके हैं। आई थिंक और भी फिल्में बनाई आपने शायद 5 जी। तो आपको सच्ची में जयललिता जी की स्टोरी में इंटरेस्ट है कि कंगना में इंटरेस्ट है ज़्यादा? एक्चुअली दोनों में, तो कंगना थी इसलिए ज़्यादा ऑब्वियस था। अच्छा बैक स्टेज आप बड़ा बोलते हैं, स्टेज पे आके आप चुप हो गए, दो ही वर्ड में बात खत्म कर देते हैं। मैं एक्टर नहीं हूँ ना। नहीं पर कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका पूरी फिल्म को शूट करने में? ये तो पूरा आई थिंक 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस रहा। वाह इतने ही लंबा, आई थिंक तनु जोन 1 का था उतना ही लंबा ये था। और विजय जी इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, विजय जी बहुत कमाल का काम किया आपने। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.